तो वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन के डायनामिक आइलैंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि अभी आईफोन के लेटेस्ट 14 और 15 सीरीज में आता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन के डायनामिक आइलैंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। So without wasting any more time, let's start the video. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ सर्च ऐप्स एंड गेम्स पे क्लिक करना है। एंड फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है डायनामिक स्पॉट, स्पेलिंग चेक कर लो, आपको सेम टू सेम यही सर्च करना है और फिर आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। आपको सिंपली से इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब आपको इसे ओपन करना है और इसके बाद आपको इस ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको इस ऐप को सेटअप करने के लिए काफ़ी सारे परमिशंस देने होंगे, तो चलिए एक एक करके सेटअप करते हैं। पहले नंबर पर है सेलेक्ट ऐप्स, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऐप्स की पूरी लिस्ट दिख जाएगी, पर आपको वो ऐप सेलेक्ट करना है जिसका कि नोटिफिकेशन आप डायनामिक आइलैंड में देखना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस डायनामिक आइलैंड में देखने हैं। इतना करने बाद आपको वापस से बैक चले जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट ऐप्स में टिक लग चुका है, और अब आपको दूसरे परमिशन के लिए अलाउ करना है। तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डायनामिक स्पॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए अलाउ कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुका है, और फिर आपको फाइनली तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस में टिक लग चुका है, एंड फिर यहाँ पर आपको नीचे सिंपली से डन पे क्लिक कर देना है, और बस अब डायनामिक आइलैंड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में डायनामिक आइलैंड की तरह नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुका है। आप इस पर टैप करके बिल्कुल आईफोन की तरह नोटिफिकेशंस के रिप्लाई भी कर सकते हैं, एंड मैं यहाँ पर आपके सामने एक रिप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और कूल? तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन के डायनेमिक आइलैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो को अभी तक देख लिए हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, बस इतना ही था आज वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। Till then, take care and goodbye.